नमस्कार, ज्योतिष इंद्राणी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ गुरु से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें। देखिए, गुरु जो ऐसे ग्रह होते हैं जो कि आप नौ ग्रह में गुरु सबसे बड़े ग्रह होते हैं ना, तो गुरु अगर आपका कुंडली में या फिर आपके हाथ में आपके पाम में निगेटिव है तो क्या रेमिडीज करनी चाहिए और इससे क्या परेशानियाँ आ सकती हैं, टू दी पॉइंट बात करेंगे हम लोग आज। ठीक है, लोकेशन भी कितना अच्छा है ना। तो देखिए, जैसा कि बृहस्पति जुपिटर जिसका कि हथेली में स्थान होता है आपका इंडेक्स फिंगर के नीचे, और इंडेक्स फिंगर भी आपके गुरु के गुणों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो देखिए गुरु जो होते हैं ना, अगर गुरु आपकी कुंडली में अच्छे हैं सपोज, तो आपको सबसे पहला जो कि जब आप जन्म लेते हैं तो सबसे प्रोसेस पहले क्या होता है, करियर का है ना, कि पढ़ाई का, एजुकेशन का। तो जिन भी जातक का गुरु अच्छा होगा तो वो लोग बहुत अच्छे एजुकेशन प्राप्त करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, ऐसे लोगों को शिक्षक से, मान लीजिए स्कूल में गए तो शिक्षक से सपोर्ट मिलता है। कोई बच्चा होता है, आप स्टूडेंट हैं, आप स्कूल जाओगे तो कोई बच्चा होता है ना जिसको कि टीचर बहुत अच्छे होते हैं, फिर भी टीचर की डांट ही पड़ती है। लेकिन कोई बच्चा होता है कि बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ता है, फिर भी उसको टीचर का बहुत वाहवाही मिलती है, शाबाशी मिलती है। तो गुरु बहुत बड़ा रोल यहाँ पे अदा करता है। तो गुरु अगर आपका अच्छा होगा तो टीचर का हमेशा आपको साथ मिलेगा। दूसरी चीज़, कभी भी क्लास में ऐसे जातक फेल नहीं करते हैं, बहुत जीनियस होते हैं, बहुत एक्टिव माइंड के होते हैं और कोई भी चीज़ को बहुत जल्दी सीखते हैं। हमेशा गुरुओं का साथ, बड़े बुजुर्ग का साथ, जिनका भी कुंडली। पहले मैं पॉजिटिव पॉइंट बता देती हूँ कि अगर गुरु आपका अच्छा हो तो क्या होगा, अगर गुरु आपका निगेटिव हो तो क्या हो। देखिए, पॉजिटिव होगा तो गुरुओं का साथ मिलेगा आपको, एजुकेशन आपकी हाई एजुकेशन तक जाएंगे, बहुत हाई एजुकेशन मिलता है ऐसे जातक को। दूसरी चीज़, अगर गुरु आपका अच्छा हो तो अपर ऑथोरिटी पोस्ट, जितने भी अपर पोस्ट के हैं, स्कूल जाओगे टीचर, कॉलेज जाओगे प्रोफेसर, घर में रहोगे तो पिता, दादा, बड़े भाई, ऑफिस जाओगे तो बॉस, आप गवर्नमेंट जॉब करते हो तो अपर अधिकारी पोस्ट जो होते हैं, सीनियर ऑफिसर, इन लोगों का साथ हमेशा मिलता है जिनका गुरु अच्छा हो। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ा चीज़ होता है देखिए, परिवार, परिवार का सुख मिलता है। जिनका भी गुरु अच्छा होगा ऐसे लोगों को परिवार का सुख काफ़ी ज़्यादा मिलता है। कभी भी परिवार से अलग नहीं होंगे, एकदम से जुड़े रहेंगे। आप देखेंगे जिनका भी कुंडली में गुरु नीच का हो, हाथ में गुरु निगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा हो, तो ऐसे लोगों का क्या है ना, परिवार का साथ बहुत कम मिलता है, यानी कि माता पिता भाई, इन लोगों का साथ बहुत कम मिलता है। दूसरी चीज़, दाम्पत्य जीवन पे आ जाइए। देखिए, दाम्पत्य जीवन भी इन लोगों का अच्छा नहीं बोला जाता। गुरु बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपके दाम्पत्य जीवन पे, चाहे आप लड़का हो या चाहे लड़की हो, है ना, गुरु बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगर गुरु आपका निगेटिव है तो फिर आपका दाम्पत्य जीवन खराब है। अब देखिए, दाम्पत्य जीवन से आगे बढ़िए तो यहाँ पर संतान, संतान में भी प्रॉब्लम आपको गुरु करता है अगर आपका निगेटिव हो तो। अगर पॉजिटिव हो तो बहुत अच्छे से शादी हो जाती है, टाइम पे शादी हो जाती है, शादीशुदा जिंदगी बहुत ही प्लेजर वाली होती है, बहुत खुशनुमा होती है। अब हाथ में देखिए, कुंडली में भी उच्च का गुरु हो, बहुत सारे कंडीशन होते हैं। चलिए कुंडली को छोड़ते हैं, सिर्फ पाम पे आते हैं। पाम पे अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए, आपका जो है ना ये इंडेक्स फिंगर है, तो इंडेक्स फिंगर आप देखेंगे कि आपका जो शनि की फिंगर है, आपकी जो ये मिडिल फिंगर है, इसके जो पहला पोर, कहीं थर्ड पोर कहीं फर्स्ट पोर दिखेगा, लेकिन मैं फर्स्ट पोर बोल रही हूँ इसे। तो देखिए, अगर ये पहला पोर से ऊपर हो, है ना, तो इट मीन्स गुरु आपका अच्छा है, तो गुरु आपका अच्छा रहेगा। अगर मान लीजिए किसी का ये नीचे हो, मान लीजिए आपके जो है ना या तो फर्स्ट पोरवे पे हो या फर्स्ट पोरवे से नीचे का हो, तो यहाँ पे दिक्कत गुरु क्या करेगा, आपको शादी तो करा देगा, बच्चे लेट कराएगा, शादी इवन भी लेट होगी और किसी ना किसी से विच्छेद कराता है। मतलब मान लीजिए आपकी गुरु की फिंगर बहुत छोटी है, मतलब इंडेक्स फिंगर आपकी मान लीजिए बहुत छोटी है, आपके जो ये पहले पोर्वे से छोटी है, तो ये परिवार के सुखों में कमी करेगा। किसी ना किसी का मिसिंग रहेगा लाइफ में, जो कि एक यादगार रहते, मतलब एक याद जो कि कभी आप भूल नहीं सकते हो, दिल से मिटा नहीं सकते, लाइक इस तरह से चीज़ें होती है यदि गुरु की फिंगर बहुत शॉर्ट हो। यहाँ से दूसरी चीज़, माउंट देखेंगे, यहाँ पे इंडेक्स फिंगर के नीचे के एरिया को माउंट बोलते हैं ना, तो इस माउंट पे अगर गड्ढा हो, उबड़ा हुआ नहीं हो सही से, तो यहाँ पे भी दिक्कत क्या होगी, यहाँ पे भी आपको लेट शादी को दिखाता है, बेबी वगैरह लेट होने के संभावना हो जाती है। और साथ ही साथ एजुकेशन, यदि आपके कुंडली में भी यदि गुरु नीच का हो गया हो तो ऐसे लोगों को आप क्या देखेंगे, शादी लेट होगी, बच्चे लेट होंगे, और साथ ही साथ एजुकेशन प्राप्त करने में बहुत विघ्न बाधा आएंगी, या तो इनका तबीयत खराब हो जाना, इन सभी चीज़ों से इनको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। तो ये चीज़ होता है, गुरु निगेटिव होता है तो आपको सही से शिक्षा प्राप्ति नहीं हो पाएगी,
सपोज किसी का हाथ में आप देखेंगे गुरु की फिंगर बहुत लंबी है, बहुत ज़्यादा लंबी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईगो आ जाएगा इंसान। जिम्मेदारी तो खूब लेगा, आपको बहुत सेवा करेगा, बहुत जिम्मेदारी लेगा, लेकिन एक शासकीय प्रवृत्ति आ जाती, मुझे शासन करना है ना, हिटलर टाइप में, कि मेरा बात क्यों नहीं रहा, मेरा बात ही रहेगा, लाइक इस तरह से। अगर आप कभी भी किसी भी जातक का देखेंगे, आपके अपोलो फिंगर से आपके गुरु की फिंगर की लेंथ बड़ी है, अपोलो फिंगर से, सूर्य की फिंगर से गुरु की फिंगर की लेंथ बड़ी है, तो देन यहाँ पे दिक्कत क्या हो जाएगी, यहाँ पे ऐसे जातक को मतलब बहुत ज़्यादा ईगो आ जाता है और शासन करने की प्रवृत्ति हो जाती है ऐसे लोगों को। परिवार का सुख भी मिलेगा, दाम्पत्य सुख भी मिलेगा, लेकिन शासन करने की आदत हो जाती है, मतलब एकदम हिटलर टाइप हो जाते हैं। तो गुरु इतना ज़्यादा रोल अदा करता है हमारे लाइफ में। और दूसरी चीज़ क्या होता है, अगर मान लीजिए गुरु आपका निगेटिव है तो क्या करें, तो सबसे पहले आपको गुरु को पॉजिटिव करने के लिए, देखिए हमारे जो रिश्ते बने हुए हैं ना, सारे नौ ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज जैसे आपको सूर्य को स्ट्रांग करना है तो पिता का सेवा कीजिए, पिता का रिस्पेक्ट कीजिए। आपके छोटे भाई को से संबंध अच्छा करना है तो मंगल को, बड़े भाई से संबंध स्थापित करना है तो गुरु को स्ट्रांग कीजिए, गुरु को स्ट्रांग करना है तो बड़े भाई का रिस्पेक्ट कीजिए। उसी प्रकार गुरुओं का रिस्पेक्ट कीजिए, अपने अपर अथॉरिटी पोस्ट जो होता है, आपके ऑफिसर रैंक का जो पोस्ट होता है, उनको आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है। ये चीज़ हो गया। और दूसरा उपाय आप कर सकते हैं, देखिए गुरु अगर कुंडली में नीच का हो, या फिर हाथ में आपको दिक्कत है, या फिर आप ऐसे भी देख रहे हो कि हमें ये सब सारी परेशानियां आ रही हैं गुरु से रिलेटेड, शादी लेट हो रहा है, एजुकेशन प्राप्त करने में लेट हो रहा है, हमारे बॉस के साथ नहीं बन रही है, हमारे सीनियर हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, घर वाले का साथ नहीं मिल रहा है, पेट संबंधी, हाँ लीवर संबंधी प्रॉब्लम भी गुरु करता है, पेट संबंधी प्रॉब्लम भी अगर हो रहा है, तो तुरंत आप क्या कीजिए, बृहस्पतिवार को, देखिए जिनका ग्रह अच्छा हो वो बृहस्पतिवार को पीली चीज़ का दान ना करें, जिनका गुरु खराब हो उनके लिए ये रेमेडीज है कि आप बृहस्पतिवार को आप पीला चीज़ का दान कर सकते हैं, पीले कपड़े का दान कर सकते हैं, केले का दान कर सकते हैं, चने की दाल का दान कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप ऐसा नहीं कि गुरु आपका नेगेटिव है आप पुखराज पहन लीजिए, देखिए ये बहुत सारे मेरे पास क्लाइंट आते हैं ना, उनको मैंने देखा उनका गुरु नेगेटिव है, उन्होंने पुखराज पहन लिया और परेशानियां बढ़ जाती है। देखिए कोई भी रत्न जो है ना, आप अपने लग्न, भाग्य स्थान और ज्ञान स्थान है ना, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस, इसके अकॉर्डिंग पहनिए कोई भी रत्न, अदरवाइज इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। गुरु नीच का हो तो कभी भी आप पुखराज मत पहनिए, इसका नेगेटिव इफेक्ट होता है। अब इसको बलवान करने के लिए आपको एक तो रिश्ते में जो कहते हैं ना, जैसे बड़े भाई इनका रिस्पेक्ट कीजिए, गुरुओं का रिस्पेक्ट कीजिए, इनकी सेवा कीजिए, दूसरी चीज़ पीली चीज़ों का दान कीजिए, तीसरी चीज़ सबसे बहुत बड़ी और अच्छी रेमेडीज जो है, जो कि सबसे अच्छी फ्रूटफुल है, वो रेमेडीज है आपको क्या करना है, तिलक करना है हल्दी का। देखिए नहाने के पानी में हल्दी यूज कीजिए, तिलक कीजिए हल्दी का, सूर्य भगवान को जल दीजिए। देखिए सूर्य भगवान को जल देने वक्त गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। सूर्य भगवान को अगर आप जल देते हैं पीला हल्दी डाल के, तो इससे आपका गुरु स्ट्रांग होगा और उसका आप तिलक भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, आप शमी के पेड़ का पूजा कर सकते हैं। आप बोलेंगे शमी का पेड़ का पूजा अकेले नहीं करना है, शमी के पेड़ के साथ में तुलसी माँ का भी पूजा आपको करना है, क्योंकि शमी के पेड़ आपके विष्णु जी को भी रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स बोलेंगे कि यहाँ पे शनि को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन आपके विष्णु जी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ये कर सकते हैं। तुलसी जी का पूजा कीजिए और ध्यान रखिए, देखिए अगर आप लोग तुलसी लगाते हैं ना, तो तुलसी अकेले लगाइए मत, तुलसी को कभी भी अकेले नहीं लगाना चाहिए। तुलसी के जड़ में एक पत्थर जरूर डालिए, और पत्थर काले रंग का हो तो ज़्यादा अच्छा हो, ये विष्णु जी का प्रतीक है, तो आप तुलसी का पूजा कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, ये सब तो आप रेमेडीज करें ही करें, और साथ ही साथ आप हल्दी के गांठ, उसको भी आप पहन सकते हैं या फिर रख सकते हैं, तो इससे आपका गुरु स्ट्रांग होगा। अगर आपका गुरु स्ट्रांग हो गया ना, तो लाइफ में आप आध्यात्मिक भी होंगे। जब देखिए आप कर्म अच्छे करने लगेंगे तो ऑटोमेटिक ग्रह अच्छे होने लगेंगे, उसका फल आपको अच्छा मिलने लगेगा। तो आपको क्या होगा, यहाँ पे गुरु को अच्छा करना है, तो आप अगर आप ये सब रेमेडीज करते हैं तो क्या होगा ना, आपका गुरु अच्छा होगा, तो आप आध्यात्मिक बनना शुरू करेंगे, बड़ों को रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे, साथ ही साथ एजुकेशन अच्छी आएगी। एजुकेशन जब अच्छी आएगी, तो कहते हैं ना जब पैसा आता है तो सब कुछ मिल ही जाता है लगभग, और ये भी बोलते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ भी होता है, तो इस तरह की बातें होती है। तो ये होता है आपका गुरु। तो आज मैं आपको गुरु के बारे में बताई हूँ, है ना। गुरु आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि गुरु आपकी कुंडली में या हाथ में, पामेस्ट्री थ्रू देखवाइए या फिर कुंडली दिखवाइए, तो गुरु का अच्छा होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ का आप ध्यान जरूर रखिएगा। अगर गुरु आपको कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई पामिस्ट बताया गुरु आपका निगेटिव है, तो उसकी तुरंत रेमेडीज कीजिए,
रेमेडीज से बहुत सारी ग्रहों की स्थिति ठीक हो सकती है, है ना। आप देखिए गुरु आपका नेगेटिव है या पॉजिटिव है, अगर इस तरह की प्रॉब्लम में आ रही है लाइक बच्चे लेट होना, शादी में व्यवधान आना, बार बार शादी लग के टूट जाना या फिर शादी लेट होना, और दूसरी चीज़ एजुकेशन प्राप्ति में दिक्कत, अपने अपर पोस्ट या फिर ऑफिसर पोस्ट सीनियर से नहीं बनना, तो कहीं ना कहीं गुरु प्रॉब्लम कर रहा है आपका। डिग्री वाइज भी कमज़ोर होता है तो गुरु प्रॉब्लम करता है, तो आप ये सब रेमेडीज करके अपने गुरु को ठीक कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ज़रूर अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।